हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एस्ट्रेम इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग एक विंडोज के बड़े ही फनी ट्रिक्स के बारे में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि हम अपने पिक्चर को पासवर्ड के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अपने पिक्चर को पासवर्ड के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रिक्स अपनाकर आप अपने फ्रेंड को एक शौक देख सकते देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम अपने कंप्यूटर में और इस ट्रिक्स को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम अपने विंडोज़ 10 के सर्च में टाइप करते हैं विंडोज़ सिक्योरिटी। विंडोज़ सिक्योरिटी ओपन होने के बाद हमें जाना है अकाउंट प्रोटेक्शन ऑप्शन पे। अकाउंट प्रोटेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और डायनेमिक लॉक। डायनेमिक लॉक सेटिंग पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कितने तरह के पासवर्ड लगा सकते हैं। इसमें हम जाएंगे पिक्चर पासवर्ड पे। पिक्चर पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऐड का ऑप्शन होगा, उस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो हमारा करंट पासवर्ड है वो डाल के एंटर करना है। एंटर करने के बाद हम क्लिक करते हैं चूज पिक्चर पे और यहाँ पे आपको फ़ोटो सिलेक्ट करना है जिस फ़ोटो को आप पासवर्ड के रूप में सेट करना चाहते हैं। तो मैंने अभी पिक्चर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पिक्चर को सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि कौन सा पिक्चर का कौन सा पार्ट आपको सीन करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ दिस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने फ़ोटो में तीन पॉइंट्स पे हमें टच करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले हमने अपने शॉर्ट के लोगो पे, दूसरा अपने नोज पे और तीसरा अपने गॉगल्स के ग्लास पे टच किया है। फिर इसी को, सेम चीज़ को दोबारा से रिपीट करना है और रिपीट करने के बाद हमें इसको क्लिक करना है सेव, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद हम इसको फिनिश करते हैं और फिनिश करने के बाद से हम जो भी टैब खुला है उसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट या फिर लॉक भी आप कर सकते हैं। लॉक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हम इससे लॉग आउट हो गए हैं। और लॉग आउट करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको पिक्चर सीन होगा। फिर वहां पे पिक्चर सीन होने के बाद से जो भी है आप थ्री पॉइंट्स टच करेंगे, टच करने के बाद से वो आपके लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको हटाना है तो फिर वही सेम चीज़ आप फॉलो करेंगे। आपको वही विंडोज सिक्योरिटी में जाने के बाद से आपको अकाउंट प्रोटेक्शन और उसमें जाने के बाद आपको जो है ना पासवर्ड का ऑप्शन, पिक्चर पासवर्ड का, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आएगा और इस तरह से आप पिक्चर पासवर्ड को सेट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।